रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। कहते हैं कि आप जो बोते हैं धरती उसके कई गुना बढ़ा करके आपको देती है। बिल्कुल कोरोना नाम के इस बीमारी ने इन सब बातों और तथ्यों पर जितनी भी लोकोक्तियां हैं उन सब पर विचार करने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, जो हमारे ज्ञानियों ने लिखा है, जो हमारे ग्रंथों धर्म और किताबों में लिखे हुए हैं, वो सारी बातें अब धीरे धीरे लोगों को याद आने लगी हैं। प्रकृति के साथ हम जिस तरह का छेड़छाड़ कर रहे हैं वो भी अब लोगों को याद आने लगी है। घर में लॉकडाउन, लोग अब इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास एक सेकंड का समय नहीं था, वो सड़कें जो आपको तबाह कर देती थी जाम से, वो सारी सड़कें बिल्कुल सुनी हैं। या एक्का दुक्का यदा कदा कभी कभी पैदल चलते लोग नजर आ जाएंगे, या फिर जरूरी सामान को लेकर जाती हुई या तो अस्पताल की गाड़ियां, या फिर राशन की गाड़ियां, या फिर पुलिस की गाड़ियां, या फिर हम जैसे पत्रकारों की गाड़ियां, जिन्हें अपने जीवन से ज्यादा लोगों के जीवन की चिंता है, उनकी गाड़ियां आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगी। एक बात हमने शुरू में लिखी है कि अमीरों के लिए कोरोना भी त्यौहार है, गरीबों के लिए माड़ भात भी मुहाल है। हम कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहते हैं जो तस्वीरें बिहारियों की है और बिहार के उन लोगों की है जो दुनिया भर में, और खास करके कहा जाए तो बिहार के लोग इस भारत राष्ट्र में अलग अलग राज्यों में रहकर उस राज्य के सुख समृद्धि संपन्नता के सबसे बड़े वाहक हैं। अपने कंधों पर उस राज्य को आगे बढ़ाने का इन्होंने जिम्मा लिया है। आज वो माड़ भात के लिए भी मुहाल हैं। और बिहार की सरकार जो ये कहती है कि हम अपने बिहारी भाइयों के लिए सब कुछ कर देंगे, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। ना 243 विधायक नजर आ रहे हैं और ना ही 40 सांसद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा के मेंबरों की बात तो छोड़ ही दीजिए और MLC की भी बात छोड़ दीजिए। अगर आप फोन करेंगे तो इक्का दुक्का ही कोई फोन उठा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि विपक्ष जिसकी भूमिका नुक्ताचीनी की होनी चाहिए, वो आगे बढ़ करके लोगों तक राहत पहुंचा रहा है। इसमें बहुत सारे नाम हैं जिनको गिनवाना और जुड़वाना, हम लगातार गिनवा जुड़वा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, नेस्तनाबूत कर देंगे, और जो लोग कह रहे थे उन लोगों के एक भी इन परिस्थितियों में संवेदना के बोल नहीं निकल रहे हैं, उनकी बोलती बंद है। जो अपने को चाणक्य कहते थे, सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ते थे और कई राज्यों में सरकार गिराने और बनाने का उन पर बहुत बड़ा उनको श्रेय मिलता था, वो सारे लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। आप गृह मंत्री की कितनी बातें सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री लॉकडाउन है, ठीक है, अच्छा है, आपने एक पहल किया जिसमें आप भारत को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहारी माड़ भात के लिए भी मुहाल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी पर कुछ आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, चिट्ठियों के माध्यम से जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जब हम खबरें पहुंचा रहे हैं या उनके पास लोग सीधे फोन करके आग्रह कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, तो वो सरकार तक भी बातें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह बिहार के लोग फंसे हुए हैं और कितनी मजबूरी उनके साथ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार माधव आनंद सरकार को अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं कि कहां लोग फंसे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचा रहे हैं, इसके अलावे पप्पू यादव पहुंचा रहे हैं, पप्पू यादव की पूरी टीम लगी हुई है। इस बीच में आपको बता दें कि RJD की पूरी टीम लगी हुई है, हालांकि टीम तो सरकार की तरफ से भी चिराग पासवान भी लगे हुए हैं, उनका भी खबर हमने आपको दिखाया है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, आप देख लीजिए कि एक तस्वीर जो आपके सामने है, एक व्यक्ति कैसे माड़ भात खाने के लिए मजबूर है, और वो भी उसे बड़ी मुश्किल से मिली है, किसी ने साझा किया है तस्वीरों में, वीडियो के माध्यम से आप पहले देख लीजिए।
मजी आम नीम को है जान जैसा कि आपने देखा कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने पेट की आग को बुझाने के लिए चावल के कुछ दाने अपने पेट में डाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि हुकूमत बड़े बड़े इम्तहान लेती है, हुकूमत बड़े बड़े इम्तहान लेती है, आंखें छीनकर चश्मा दान देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तरह के फंड बनाए गए हैं, करोड़ों रुपया लाखों रुपया बिहार के सभी अपने विधायकों को अपने एमएलसी को नीतीश जी ने कह दिया कि 50-50 लाख रुपए का व्यवस्था कीजिए, दान दीजिए, लोग भी दान कर रहे हैं, लेकिन ये सब नजर कहाँ रहा। मैं खुद घूम रहा था, मैंने देखा है कि झुग्गी झोपड़ियों में अलग अलग स्लम बस्तियों में लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया कि चाहे वो पार्षद हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, वो भी मुश्किल में हैं कि सरकार की तरफ से उनके पास क्या सुविधाएं आ रही हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं एक स्थिति तो इतना निश्चित है कि जो हमने शुरुआत में आपसे कही बातें, वो बातें बिल्कुल वही हैं जो लोग कह रहे हैं। तस्वीरें कुछ और हैं, आप देखिए और देख करके अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने ज़्यादा विकसित हो गए। 15 साल बनाम 15 साल की हम तुलना तो जरूर कर देते हैं अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए। हम कहते हैं लगातार उस लालू प्रसाद को कि खराब हैं, बहुत लूटा, बिहार को जंगल राज की तरफ ढकेल दिया, लेकिन जब आपदा की घड़ी आई तो सारे लोग जहां अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सरकार की भूमिका निश्चित रूप से जब उनके ही साथी उंगली उठा रहे हैं तो कितनी आप कह सकते हैं। हाँ, आपदा बड़ी है तो बड़ा दिल भी करना पड़ेगा और बड़ी तैयारियां भी करनी पड़ेगी। तैयारियों में कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आ रही है और ख़ास करके तैयारियां बिहारियों पर भारी पड़ रही हैं। सरकार को और तेज़ी से काम करना होगा और इन लोगों को बचाना होगा। एक बार फिर मैं कह दूँ कि अमीरों के लिए कोरोना भी त्यौहार है, गरीबों के लिए माड़ भात भी मुहाल है। अब इस बात को, इस लोकोक्ति को झूठ करने का समय आ गया है और मेरी सरकार से, अलग अलग संस्थाओं से जो इससे लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वो इस लोकोक्ति को झूठा साबित कर दें, तभी हम जीत पाएंगे और तभी हमारा बिहार पुनः जागृत होगा। हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते थे, लेकिन रातों रात आप देख सकते हैं जिसमें नमन मिश्रा जी ने जब बात किया बिहार वापस लौटे, किसी तरह बचते बचाते अपने घर की तरफ कूच करते 200-400 किलोमीटर पैदल चल करके दरभंगा जाने वाले लोगों से जब उनकी बातचीत हुई, गांधी सेतु जो ऐतिहासिक पुल है उस पर वो पैदल जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अब जीवन में फिर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन एक बात तो तय है कि अब बिहार छोड़कर हम नहीं जाएंगे, यहीं पर जो करना होगा करेंगे, लेकिन अब किसी भी राज्य में बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप वीडियो के माध्यम से देख तो रहे हैं, महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपने देश में, आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और ख़ास करके उन लोगों को जो या तो आपके लिए अन्न उपजाते हैं या फिर आपके संसाधनों में, वो दुनिया भर में फैले हुए बिहारियों की बात कर रहे हैं जो आपके संसाधनों के लिए हर तरह से अपने खून जला जला कर आप तक पहुंचाते थे, आज वो संकट में हैं, उनके लिए आपको दो बोल, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जिस माध्यम से भी हो, जरूर बोलें, जिनसे उनके हिम्मत बंधी रहे और हम इस लड़ाई को, कोरोना नामक बीमारी को हराने में सफल हो जाएं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।